पानी को लेकर मुंबई महानगर पालिका में रिपब्लिक पार्टी का धरना प्रदर्शन। मुंबई के मलाड के मालवानी इलाके के अंबुजवाड़ी में पानी को लेकर समस्या हो रही है, जिसको लेकर लगातार स्लम एरिया के लोगों ने परेशान होकर आज मुंबई महानगर पालिका मलाड के ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में रिपब्लिक पार्टी के काफी नेता मौजूद थे। रामदास आठवले के नेतृत्व में रमेश गायकवाड़, रमेश गौड़ ने पानी को लेकर मलाड के महानगर पालिका में धरना प्रदर्शन किया। मुंबई महानगर पालिका किंग अधिकारियों ने बताया कि आपके घर में पानी काफी टाइम तक छोड़ा जाएगा, जिसको लेकर लगातार लोगों को परेशानी थी, लोगों को दिक्कत थी, उसको लेकर उसका समाधान किया जाएगा। सुन लो भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। पानी हम प्रसाद जी आए पानी साथ ही रुक गया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबुजवाड़ी मलाड मालवणी येथील रहिवाशांच्या वतीने, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने हा मोर्चा महानगरपालिकेवर आलेला आहे मलाड पी आर नॉर्थ विभागावर। आणि या अंबुजवाडीमध्ये राहणारी जनता गेल्या 25-30 वर्षापासून त्या ठिकाणी राहते, परंतु तेथील जे स्थानिक नगरसेवक असतील, आमदार असतील, या लोकांनी त्या ठिकाणी सुविधा देण्याचं कुठलंही काम केलेलं नाही। आणि रात्री 12:30 वाजता त्या ठिकाणी थोडंसं पिण्याचं पाणी मिळतंय, त्याच्यामुळं स्थानिक लोकांना खूप त्रास होतोय। आणि अंबुजवाडीमध्ये जवळजवळ 20-25 हजार घरं आहेत आणि रहिवाशी जवळजवळ 1-1.5 लाख लोक आहेत, तरी त्या लोकांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था तिकडे केली नाही आहे। म्हणून रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रामदासजी आठवले साहेबांच्या वतीनं आम्ही महानगरपालिकेला विनंती करत आहोत की आपण अंबुजवाडी येथील जनतेला लवकरात लवकर पिण्याचं पाणी उपलब्ध करून द्यावं ही विनंती करत आहोत। या ठिकाणी महानगरपालिकेने जर अंबुजवाडीला पाणी नाही दिलं तर रिपब्लिकन पक्षाच्या स्टाईल प्रमाणे हे जे महानगरपालिकेचे जे काचेच्या खिडक्या दिसतात आपल्याला, त्या आम्हाला तोडाव्या लागतील आणि महानगरपालिकेला आपली जागा दाखवावी लागेल। भ्रष्टाचारी अधिकारी आहेत त्यांना त्यांची जागा दाखवावी लागेल। अनधिकृत किती कनेक्शन आहेत, अनधिकृत किती बांधकाम आहेत, अनधिकृतपणे किती बिल्डर लोकांना तुम्ही पाणी दिलेलं आहे। जर अनधिकृतपणे बिल्डर लोकांना पाणी देत असाल तर झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या जवळजवळ 30 वर्ष राहणाऱ्या नागरिकांना आपण पाणी देणं ही महानगरपालिकेची जबाबदारी आहे। जर महानगरपालिका जर पाणी देत नसेल तर रिपब्लिकन पक्षाच्या स्टाईलनी त्यांना उत्तर द्यावं लागेल। धन्यवाद। सचिव हरिहर यादव जी, कृष्णा गौड़ जी और कुमार साहब, यहाँ पर तालुका अध्यक्ष सिंधे जी, कोंडे जी और वालवे जी और अन्य सभी, जगह भाई झालटे, हमारे गायकवाड़ साहब ने सभी का नाम लिया है। हमको आश्वासन ऐसा मिला है कि अभी आगे से 1.5 घंटा पानी छोड़ेंगे और इन्होंने ये भी आश्वासन दिया है जो 10 मिनट पहले गंदा पानी आता है वो भी ये ढूंढेंगे और ढूंढ के उसको कम करेंगे। इनका आश्वासन ये भी मिला है कि आगे से हम ध्यान देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वहाँ के लोगों को पॉइंट दे सके, पानी दे सके, नल दे सके, वहाँ के गरीब की मजदूर की जो लोग हैं वहाँ पे उनकी तकलीफें दूर कर सके। ऐसा फील, रिपब्लिकन पार्टी स्लम से ही पैदा हुई है, रिपब्लिकन पार्टी गरीबों की पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी लड़ने वाले संघर्ष नायक हमारे माननीय आठवले जी की पार्टी है और रिपब्लिकन पार्टी हमेशा से जरूरतमंदों के लिए लड़ी है। तो आज जो अंबुजवाड़ी के जो लोग हैं और वहाँ के बसाने का जो काम है हमारे माननीय आठवले जी ने अंबुजवाड़ी बसाया है, तो जहाँ भी स्लम है, जहाँ भी लोग हैं, आज दिन भर लोग काम करके आते हैं, आज उनसे हमारे मुंबई का, महाराष्ट्र का जो आर्थिक स्थिति सुधर रही है, 24 घंटा लोग काम करते डे नाइट। अब अगर रात को 8-9 बजे घर जाएंगे, 10-20 मिनट अगर वो रेस्ट करेंगे, नहाएंगे और उठेंगे रात को 12 बजे, कब सोएगा इंसान, कब काम करेगा वो?
तो महानगर पालिका को हमने एक चेतावनी देने का काम किया है, अगर महानगर पालिका ने हमको हमारा आश्वासन पूरा नहीं किया तो RBI स्टाइल में उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर मुंबई जिला मलाड विभाग करेगा। देने का आश्वासन सरकार ने किया है और मुफ्त में पानी देना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान के माध्यम से लोगों को मुफ्त में पानी देना चाहिए, सरकार घर घर पानी देने का वादा किया है और हमको ऐसा लगता है कि वाटर डिपार्टमेंट के अधिकारी दोहरी भाव करते हैं। बड़े बड़े जो बिल्डिंग है उसमें अलग तरह का पानी दिया जाता है, स्वच्छ पानी दिया जाता है और घंटों उनका पानी रहता है, महाड़ा में उनका घंटों पानी रहता है।